हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बाला, आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने मस्तराम नाम का वेब सीरीज देखा है एमएक्स प्लेयर पर। ये कल ही रिलीज हुआ वेब सीरीज है। सबसे पहली बात तो इस वेब सीरीज में क्या अच्छा है वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो रोमांस है बिटवीन अंशुमन झा एंड तारा अलीशा बेरी, वो अच्छा है देखने के लिए, क्यूट है, लवेबल है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में क्या अच्छा नहीं है उसका डिटेल लिस्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहली बात तो जब आप इरोटिका जैसे एक थीम को लेकर एक वेब सीरीज बना रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द सेक्स सीन्स, द लव मेकिंग सीन्स, द इरोटिक सीन्स दैट यू शूट, वो सारे सीन्स देखकर ऑडियंस के दिल में एक सेंशुअल फीलिंग पैदा होना चाहिए। अगर उनके दिल में एक वल्गर बी ग्रेड टाइप चीप वाला फीलिंग पैदा होता है ना, तो वो सेक्स सीन्स देखने का कोई मज़ा नहीं होता है। वो सेक्स सीन्स बहुत ही लो क्वालिटी के सेक्स सीन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड में आप एक बूढ़े आदमी का ब्लू अंडरवेयर का शॉट दिखा रहे हो, ब्लू अंडरवेयर का शॉट। वो शॉट देखकर किस तरह का फीलिंग उत्पन्न होना चाहिए व्यूअर्स में यार? अगर आप दुकान में जाके एक चीप ब्लू अंडरवेयर खरीदते हो, वो अंडरवेयर का क्वालिटी क्या होगा? क्वालिटी तो ऑब्वियसली लो होगा ना। सिमिलरली ये ब्लू अंडरवेयर का जो शॉट आप दिखाए हो फर्स्ट एपिसोड में, उसका क्वालिटी भी एकदम लो है, एकदम बी ग्रेड, एकदम चीप लगता है यार वो। दूसरे एक एपिसोड में एक एक्ट्रेस को दिखाया है आपने लिकिंग द हेयरी थाइज ऑफ अ मैन। हाउ इज दैट सपोज टू अराउज अ सेंशुअल फीलिंग इन एन ऑडियंस? दोस्तों, मैं अडल्ट कॉन्टेंट के खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कामसूत्रा, एवरी वन लाइक्स टू वॉच लव मेकिंग सीन्स इफ दे आर शोन इन अ नाइस प्रॉपर एस्थेटिक मैनर विच विल अराउज अ फीलिंग ऑफ सेंशुअलिटी इन द माइंड ऑफ एवरी व्यूअर। अगर वैसा आप एक पर्टिकुलर फीलिंग उत्पन्न कर पाते हो सब व्यूअर्स के माइंड में, तो आपका जो लव मेकिंग सीन है, सेक्स सीन है, वो बहुत अच्छे से शूट किया, ऐसे हम कह सकते हैं। बट अदरवाइज इफ़ यू गेट अ वेरी यकी फीलिंग, दैट पर्टिकुलर सेक्स सीन इज नॉट वर्थ वॉचिंग। एंड दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट वेन यू वॉच एवरी सेक्स सीन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। अब दूसरा प्रॉब्लम इस सीरीज का है, जो कॉन्टेंट, अडल्ट कॉन्टेंट जो प्रस्तुत किया, इट इज़ नथिंग न्यू। ऐसे कंटेंट आप गंदी बात में देख चुके हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप उल्लू ऐप के वेब सीरीज में देख चुके हैं, ऐसे कंटेंट बहुत सारे डिफरेंट वेब सीरीज जो अवेलेबल है आज के तारीख में डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप काफ़ी बार देख चुके होंगे। नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग न्यू, डन टू डेथ कॉन्सेप्ट बार बार लेके आके आप मस्तराम जैसा आप सीरीज बना के क्या फ़ायदा है? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग मस्त अबाउट एनी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। और तीसरा प्रॉब्लम है कास्टिंग को लेकर। आप जब कास्टिंग करते हो एरोटिक सीरीज के लिए, ऑलवेज लुक फॉर न्यू एक्टर्स, बिकॉज न्यू एक्टर्स के साथ एक नया नॉवल्टी जुड़ जाता है, एक यूनिकनेस जुड़ जाता है, बिकॉज नो वन हैज एवर सीन देम डूइंग सच बोल्ड सीक्वेंसेस। बट व्हेन यू गेट द सेम एक्टर्स हु हैव डन बोल्डर सीन्स इन डिफरेंट अदर वेब सीरीज एंड इवन न्यूड सीन्स इन डिफरेंट वेब सीरीज ऑफ डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो वही सेम एक्टर्स को आप मस्तराम वाले सीरीज में लेकर आके लेस बोल्ड सीक्वेंस देने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ना, बिकॉज ऑडियंस हैज ऑलरेडी सीन दिस एक्टर्स परफॉर्म न्यूड सीक्वेंसेस इन अदर सीरीज, सो देयर इज नो पॉइंट इन सीइंग देम डू दीज सीन्स इन मस्तराम। तो लॉजिक नहीं बनता है यार। और बहुत सारे सीक्वेंसेस देख के ना मजा भी नहीं आता। लाइक फॉर इंस्टेंस एक सीक्वेंस है यार, इनफैक्ट दिस आई हैव टू से, आई डोंट अंडरस्टैंड द फिक्सेशन ऑफ ऑल दिस यू नो अडल्ट कॉन्टेंट ऑन द क्लीवेज ऑफ वुमन यार। वो क्लोज कैमरा एंगल शॉट्स आर focused on capturing the cleavage of woman. Yeah, the cleavage of a woman is not the only factor that is responsible in arousing sensual feelings in men. There are many other factors. Yeah. But pure Mastram series mein you only have close camera angle cleavage shots of women. Yeah, it gets boring and monotonous after a certain point. Yeah, maza nahi aata wo dekhne ke liye. तो वो एक चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस एक एपिसोड है जिसमें टीचर का पल्लू नीचे गिरता है एंड एवरी स्टूडेंट स्टेयर्स एट द क्लीवेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टीचर, एंड उसमें से एक स्टूडेंट उठ के बोलता है टीचर मेरे को टॉयलेट जाना है, दूसरा तीसरा चौथा भी बोलता है टॉयलेट जाना है टॉयलेट जाना है, लाइन लगा लेता है। व्हाट इज सो नोबल और यूनिक अबाउट दैट पर्टिकुलर सीन? नथिंग एट ऑल। तो दिस फिक्सेशन विद क्लीवेज हैज टू स्टॉप इन ऑल दिस अडल्ट कॉन्टेंट सीरीज यार, बिकॉज इट इज गेटिंग रिपीटेटिव आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एंड नॉट एंटरटेनिंग और सेंशुअल ऑल्सो एट ऑल। तो ओनली एक्ट्रेस हु ऊज्ड सेंशुअलिटी एंड चार्म with her personality, with her face and with her expression was this actress called Amrita Das Gupta, who appears in the fourth episode of this particular series. वो सिर्फ वही एक एक्ट्रेस मेरे को ये पूरे सीरीज में अच्छी लगी as far as sensuality goes और sensual expression goes. Otherwise everyone else I didn't like anyone at all. अंशुमन झा के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका वीडियो देखा मैं, एड देखा मैं विद इरफान खान साहब। जब आप इरफान खान जैसे एक्टर के साथ काम कर चुके हो, तो यू शुड बी चूजिंग योर स्क्रिप्ट्स वाइजली।
a series like Mastra, which has a lot of bold, erotic, and B-grade content, especially sex scenes, it will not do any good to your acting career. It will not help you grow as an actor. So it is wise to wait for the right script and do the right script that will help you evolve and grow as an actor, and also films that you can show your entire family, films that you can sit with your kids and watch, films that you can sit with your parents and watch. ऐसे सीरीज करो अंशुमन जी, अच्छा टैलेंट है आप में. सेम सेम गोज फॉर तारा अलीशा बेरी ऑल्सो यार, नाइस गुड लुकिंग गर्ल, ग्रेट गुड टैलेंट, शी शुड ऑल्सो बी चूजिंग द राइट सीरीज. ऑल्सो वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज ये इरोटिका, इरोटिक लिटरेचर पे बेस्ड है. तो जो सेक्स सीन्स जब चलता है, जब लव मेकिंग सीन्स चलता है, पीछे अंशुमन का वॉइस चलता है, बिकॉज ही इज राइटिंग दो सीक्वेंस, इज द ऑथर, इज द राइटर. समवेयर डाउन द लाइन आई थॉट वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनका वो डायलॉग डिलीवरी, हिम नरेटिंग दोस लाइन्स, हिम यू नो सेइंग दोस, रीडिंग दोस लिटरेचर, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा. यू नीडेड अ मच मोर डीपर वॉइस, समवन हु इज एक्चुअली अ ग्रेट रीडर टू रीड दोस थिंग्स हियर, एंड दैट वुड हैव मेड एन इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू मी. आई थॉट इफ द सेक्स सीन्स कुड हैव बीन बेटर शॉट, बेटर डिरेक्टेड, दिस सीरीज वुड हैव मेड अ वर्थवाइल वॉच, जस्ट लाइक द अर्लियर मस्त्रा मूवी. मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 1.5 स्टार्स, दैट्स माई रेटिंग. फॉर द मोमेंट सोनू सेज बाय बाय.